अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, परवेज़ ज़ाहिर की बात, जी मैं आपसे मुखातिब हूँ। स्टूडेंट्स, आई एम केमिस्ट्री प्रोफेसर, टीचिंग केमिस्ट्री सिंस 16 ईयर्स। ये 16 ईयर बेटे मैंने पंजाब गुरुभा कॉलेज पढ़ाया है, उसके बाद मैंने अब नवा डे आई एम वर्किंग एट एज अ प्रोफेसर इन HED। स्टूडेंट्स, रिसेंटली गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ सीट्स अनाउंस की हैं EST की, जिसके मुतल्लिक हम MK प्रेपरेशन प्लेटफॉर्म से हम आपको आगाह करने आए थे। बेटे, उस सीट्स में हमारे जो EST जॉब्स हैं, उस जॉब में टोटल 100 MCQs हैं। 100 MCQ में से 50 जो MCQ का ताल्लुक हमारी लॉजिक रीजनिंग से है और पैडागॉजी से है, और जो 50 MCQ का ताल्लुक केमिस्ट्री से है। हमारा कंसर्न केमिस्ट्री से है, और हम उस जो 50 मार्क्स जो आपके हैं, 50 MCQs जो हैं केमिस्ट्री के, हम उनको डील करेंगे। उस केमिस्ट्री सिलेबस में उसके तीन हिस्से हैं। तीन हिस्सों का मतलब ये कि उसमें एक हिस्सा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, एक हिस्सा दूसरा हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, तीसरा हमारा वो फिजिकल केमिस्ट्री का है। अगर मैं थोड़ा डिटेल में बात करूं तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। उसमें हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोकार्बन मीन अल्केन हैं, एल्कीन हैं, अल्काइन हैं, साइक्लोअल्केन्स हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। देन उसके बाद हमारे पास उसमें अल्कोहल फिनोल ईथर हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं। इन द सेम वे अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, उसमें हमारे पास जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, स्टेट ऑफ मैटर लाइक लिक्विड गैसेस, लिक्विड सॉलिड्स हैं। देन एटॉमिक स्ट्रक्चर है, केमिकल बॉन्डिंग है। केमिकल बॉन्डिंग हम बात करें तो उसमें क्या जिक्र आएगा, उसमें जिक्र आएगा हमारे टाइप्स ऑफ बॉन्ड का जिक्र आएगा, थ्योरीज का जिक्र आएगा। उसके बाद उसमें थोड़ा सा जिक्र आएगा, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जिक्र है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम बात करेंगे, उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, टाइप ऑफ सेल की बात करेंगे। देन उसके बाद सोल्यूशन है, कोलाइड्स है। सोल्यूशन में हम बात करते हैं, उसमें रॉड्स लॉ का जिक्र करेंगे, कॉलिगल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, हाइड्रोलिसिस की बात करेंगे। देन जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन आता है, वो आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात है SPDF ब्लॉक एलिमेंट्स की। एस ब्लॉक का मतलब क्या है, हमारे पास फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट्स, उनकी बात देखेंगे। फिर उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम देखेंगे, उनको जनरलाइज बात करेंगे, मीन्स फ्राम स्टार्ट टू एंड जनरलाइज उनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। डी ब्लॉक का ताल्लुक क्या है कि हमारे पास जो डी और जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, हम उनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, हम उनके जिसे कहते हैं वो कॉम्प्लेक्स फार्मेशन की बात करेंगे। उसके बाद कॉम्प्लेक्स फार्मेशन के बाद हम उसी में उनके जो हमारा नॉमेनक्लेचर है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वो देखेंगे। जो हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, हम उनकी मेटलर्जी की बात करते हैं, उनके ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कंट्री की बात करेंगे। देन उसके बाद हमारा आखिरी जो पोर्शन है, उसका ताल्लुक किससे है कि जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे जो कुछ जो प्रेपरेशन हैं, ये हमारा टोटल सिलेबस है EST जॉब्स का। तो हमारा जो MK प्रेपरेशन का प्लेटफॉर्म है, आप उसे ज्वाइन कीजिए। अल्लाह सब बच्चों हामी नासर हो। थैंक यू सो मच। ज़ाहिर चीमा, केमिस्ट्री प्रोफेसर। थैंक यू।